YouTube चैनल My Heroes Health। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वजन बढ़ाने के बारे में। यहाँ वजन बढ़ाने से हमारा मतलब है आपके ओवरऑल शरीर की ग्रोथ करना, ना कि आपका मोटापा बढ़ाना, क्योंकि मोटापा तो पहले ही एक समस्या बना हुआ है और आपको मोटा बनाकर हम इस समस्या को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैं प्रवीण ग्रेवाल आज आपके सामने कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आया हूँ जो बेहद आसान है, असरदार है। इन नुस्खों का प्रयोग करके आपको 100% फायदा होगा। इन नुस्खों का प्रयोग करने के लिए जो सामान चाहिए वो सामान आपको आपके घर में मिल जाएगा और आपके बजट में फिट होते हैं ये सभी नुस्खे। तो आइए अब बात करते हैं कि इन नुस्खों का प्रयोग कैसे करें, ये नुस्खे क्या क्या हैं और इन नुस्खों का प्रयोग करके आप कैसे अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और इन नुस्खों के साथ क्या करें जिससे आपका वजन तो बढ़ेगा लेकिन आपका पेट नहीं निकलेगा। अगर आप अपने दुबलेपन की समस्या से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये नुस्खा बड़ा ही फायदेमंद है। इस नुस्खे को करने के लिए आप आवश्यकता के अनुसार जौ लें। अब इन जौ को भिगो दें, इसके बाद इनका छिलका उतार कर इनको कूट कर रखें। रोजाना 60 ग्राम की मात्रा में जौ लें और दूध में डालकर इनकी खीर बनाएं। नियमित रूप से आप 2 महीने तक कम से कम इस खीर का सेवन करें। ऐसा करने से आपको फायदा होगा, आपका वजन बढ़ेगा और आपको अपने शरीर में ग्रोथ महसूस होगी जिससे आपका शरीर पहले से ज्यादा हेल्थी और फिट होगा। यदि आप शारीरिक दुबलेपन की समस्या से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस नुस्खे को जरूर अजमाएं। इस नुस्खे को अजमाने के लिए आप सबसे पहले 2 छुहारे लें। रात के समय में अब इनको कांच या मिट्टी के बर्तन में थोड़े से पानी में भिगो कर रखें। सुबह उठकर इन छुहारों की गुठली निकालें और इन्हें 300 ग्राम दूध में डालकर उबालें। जब यह दूध उबलकर 250 ग्राम रह जाए तो इन 2 छुहारों को खाकर ऊपर से दूध पिएं। आप नियमित रूप से इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको फायदा होगा, आपका वजन बढ़ेगा और आपका शरीर पहले से भी ज्यादा हेल्थी होगा। यदि आप सच में अपने दुबलेपन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी जो बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुने और अपनी रोजाना की लाइफ में जरूर अप्लाई करें। आप दुबलेपन से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम के समय में 6-6 केले खाएं और ऊपर से आधा या 1 लीटर दूध का सेवन करें। शुरुआत में यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 1 या 2 केला खाएं और ऊपर से 1 या 2 गिलास दूध का सेवन करें। धीरे धीरे इस मात्रा को बढ़ा दें। इसी के साथ आप शाम के समय में 1 मुट्ठी मूंग, सोयाबीन और चना भिगो कर रखें। सुबह उठकर चबा कर इनका सेवन करें और दिन के समय में दोपहर का खाना खाते समय आप चावल का सेवन करें। इसी के साथ आप सलाद खाएं जिससे आपके शरीर में फाइबर की पूर्ति भी होगी और दिन के समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। ऐसा करने से आपको संपूर्ण रूप से फायदा होगा और आपका वजन 100% बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका वजन तो बढ़े लेकिन पेट ना निकले तो इसके लिए आप नियमित रूप से सुबह और शाम पेट की एक्सरसाइज या पेट से जुड़े योगा करें। आप इसके लिए धनुरासन या चक्रासन तो जरूर से जरूर करें। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ेगा और पेट भी नहीं निकलेगा। दोस्तों, हमारे बताए नुस्खे आपके लिए 100% फायदेमंद रहेंगे। आप इन नुस्खों को एक बार तो जरूर से जरूर अपनाएं। ऐसा करके आप अपने दुबलेपन से छुटकारा पा सकेंगे। ये सभी नुस्खे अजमाए हुए वे डॉक्टर जगदीश ग्रेवाल द्वारा सुझाए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।